ओके, गुड मॉर्निंग रिएक्शन। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम दिया मैडम ने, और अपनी लाइफ की हर एक चीज को उन्होंने शेयर किया कि हर रास्ते में उन्होंने जो भी प्रॉब्लम्स फेस किया था, उन सभी प्रॉब्लम्स को एकदम डट के सामना किया। जैसे अभी आप सुन रहे थे कि मैं तैयार हूँ, तो वो जब रिएक्शन में आई, हालांकि पहले प्रोग्राम में तो नहीं तैयार थी, लेकिन दूसरे प्रोग्राम तीसरे प्रोग्राम जब सुन दी गई, तब वो भीतर से तैयार होने लगी, और आज वही तैयारी देख रहे हैं। तो हमारे बीच में SST बन के बैठी हुई हैं, और साथ में बहुत सारे डायमंड्स इनके ग्रुप में हैं। तो यही है कि हम सभी को भीतर से ही तैयार होना पड़ेगा, तभी हम आगे अपने लाइफ में सफलता पाएंगे। तो ऐसे ही करके अपने लाइफ में एकदम आगे बढ़ते हुए, हर प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए आगे बढ़ रही हैं, और प्रोग्राम में सभी को अपनी जो भी है एक लाइफ में मतलब फेस किया हुआ प्रॉब्लम सबको शेयर करते हुए आगे बढ़ रही हैं। तो हम सबको यही सीखना है कि प्रॉब्लम सभी की लाइफ में आता है, बस उससे कभी हटना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, ऐसे ही कंटिन्यू लगा रहना चाहिए, तभी सफलता मिलेगी। तो आए हमारे बीच में, फिर से हमारे बीच में आ गई हैं हमारे किस कुमारी मैडम। सभी लोग उनके लिए जोरदार ताली के साथ वेलकम करें। गुड मॉर्निंग रिएक्शन, वेलकम मैडम, आए अपने 5 मिनट में, थैंक यू। थैंक यू। तो दोस्तों, हामी जब दुइटै जब साइकलमा पनि हिँड्थे, हाम्रो बाइक केही पनि सुविधा थिएन। त्यति बेला म सोच्थेँ कि जब मेरो स्कुटी पर्सनल मतलब यही साधन भएको भए यस्तो समस्या आउँथेन होला, र समय पनि बस्थ्यो, अरू धेरै जनासित भनेर त र साइकलमा खराब हुन्थ्यो साइकल, र हात पनि फोरो हुन्थ्यो, कपडा पनि फोरो हुन्थ्यो, र यी सबै समस्या नै समस्या थियो। र हामी त्यति बेलै सोचेको कि हामी स्कुटी लिने हो जसरी भए पनि। तब त्यही दिनदेखि हामी धेरै मेहनत गरे, धेरै मेहनत गरे, काम पनि गरे, डेली कितना प्रोग्राम गर्थे, र डेली पावर बिहानमा हामी धेरै खुसी लाग्थ्यो। त्यति बेला धेरै मेहनत गरेको, त्यति त्यही समयमा हामी स्टार डायमन्ड पनि निस्किए। त्यही समयमा जब स्टार डायमन्ड निस्किँदाखेरि पछि 2 महिना जाँदा जाँदै हामी एउटा स्कुटी पनि लिएको हो, त धेरै नै खुसी लाग्यो, किनकि त्यो सपना एउटा सपना हाम्रो पुरा भयो। जब कठिनाई हुन्छ, जब आफूभित्र जब जुन कठिनाई झेलिन्छ, त्यति बेला याद आउँछ कि मेरो यस्तो सुविधा भएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो। त हाम्रो त्यस्तै सोच थियो, सपना थियो, र त्यो सपना पुरा भयो। र यो त सानो सपना हो, र अरू पनि छ। जब हामी डिएक्सनमा जब प्रवेश गर्छौँ, डिएक्सनमा हामी काम गर्न सुरु गर्छौँ, त हाम्रो जुन सपना छ त्यो सपना बढ्दै जान्छ, बढ्दै जान्छ। त्यस्तै हाम्रो पनि सपना छ, जुन त्यो बढ्दै गएको छ, बढ्दै गएको छ, र धेरै नै राम्रो लाग्यो। हम ये बोल रहे हैं कि जैसे कि हम जब जाते थे प्रोडक्ट लेने जाते थे अकेले, तो हमारे एक बार गए स्टॉक में सुनौली, तो हम जब उधर से जब रिटर्न आ रहे थे, तो उस टाइम में हमारा नेपाल में बंदी हो गया था, गाड़ी मोटर कुछ भी नहीं चल रहा था। तो हम ऑटो रिक्शा से जब आए, तो उस टाइम में हमारा जो एक रिवर नदी था, वो नदी पुल पहले नहीं होता था, ब्रिज नहीं बना था, अब तो हो गया है वो सुविधा। तो बहुत रात हो गया था, मतलब 9 बज गया था उस टाइम में, क्योंकि बहुत लेट हो गए थे। तो उस टाइम में हम अकेले पार किए उस नदी को, हम अकेले पार किए, और बहुत डर भी लग रहा था, लेकिन क्या करे, जाना तो पड़ेगा ऐसे ही, और भगवान को नाम लेकर ही मैं पार किए। तो उसी और उसी दौरान में हमारे जो साइकिल होते थे, साइकिल में जब चलते थे तो हमारे चैन खराब हो जाता था, हाथ काला हो जाता, कपड़े भी गंदे हो जाते थे। तो हम ये सब समस्या झेलते हुए हम यही सोचे कि हमारे पास स्कूटी होता अगर, तो हम ऐसे समस्या नहीं झेलना पड़ता था, और हमारा जो समय है वो बचत होता था, हो जाएगा, और लोगों से बात हम करेंगे। तो ऐसे ही दौरान में हम उसके लिए डायमंड अब हम कैसे ले पाएंगे, जब हम हमारा इनकम जब बोनस ज्यादा से ज्यादा आएगा, तभी तो हम अपना सपना पूरा कर पाएंगे। तो हम लोग क्या करें कि हम बहुत मेहनत किए, बहुत मेहनत किए, बहुत एक दिन में 3-3 4-4 हम होम मीटिंग करते थे, प्रोग्राम हरू करते थे, प्रोग्राम भी देते थे,
तो रोज स्टक में आना जाना ऐसा ही हो गया था। तो उसी दौरान में हम स्टार डायमंड हुए, स्टार डायमंड जब निकले तो 2-3 महीने के बाद हम स्कूटी भी लिए, तो बहुत अच्छा लगा, एक सपना पूरा हुआ। और जब हम सपना जो जब हम डीएक्स में लग जाते हैं, जब हम लग कर काम करते हैं, तो जो सपना नहीं होता था उतना नहीं होगा, तो वो सपना भी जो है कि जगता जाएगा, बनता जाएगा, बनता जाएगा। डीएक्सन ऐसा सिस्टम है, ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हमारा जो सपना है वो सच में पूरा करता है, और जो सपना हम नहीं देखते हैं वो दिखाने का काम करता है। तो बहुत अच्छा लगा। और हमारा जो हमारा जब पहले तो मायके से ही मैं काम करती थी, हमारा जब शादी हुआ तब हम घर से ही काम करने लगी। तो जबकि माँ घर बटा माँ अपनो घर बटा ससुराल बटा माँ काम करना शुरू करे थे ती बेला मल्ले पनी धेरे नहीं अब ठारो भयो कि ना कि बाहर निस्किना ते ती सजिलो हूँ दही ना कि ना कि धेरे छोरी हारू को जब बीहे भयो जति पनी डीएक्शन में ज्वाइन हुनु भाथी हो बिया बंदा पहले तब वहाँ को जब बीहे भयो तब बीहे हुँदा खेरी पहले ता बिना हुँदा खेरी ता रामसित कामगारी राखे थे जब बीहे हुँदा खेरी निस्किन सकेनन् काम गर्न सकिरहेको छैनन् म आफ्नो फिल्डमा हेरिरहेको छु मतलब देख्न पाइएको छ त म सोचे म त्यस्तो हुन दिँदैन म पहिला जस्तो काम गरिरहेको थिएँ त्यस्तै नै म काम गर्छु भनेर म आफ्नो कामलाई म्यानेज गरेर म बाहिर निस्किन्थेँ र आफ्नो जति पनि छ विश्वास छ त्यो विश्वासको साथमा म हिँडेँ बाहिर निस्के किनकि घरमा सुरुमा त पैसा धेरै हुँदैन र भन्छन् मान्छेले कि घरको जति पनि हाम्रो सदस्य हुन्छ भन्छन् कि यसमा केही छैन फाल्तुमा घुम्ने मात्रै हो यस्तो यस्तो मतलब अनाथ कुराहरू गर्छन् तर पनि म भन्थे कि एक दिन मेरो पैसा आउँछ एक दिन मेरो पैसा आउँछ तब जब यस्तै गर्दा गर्दै म आफ्नो कसरी हुन्छ टाइम म्यानेज गरेर म निस्किन्थ्यो हरेक प्रोग्राममा म जान्थेँ र हाम्रो हस्बेन्ड हुनुहुन्छ ओमप्रकाश सर उहाँ कहिले पनि रोक्नु भएन कहिले पनि टोक्नु भएन कि कहाँ जाने के गर्ने यस्तो नगर्ने भनेर कहिले पनि भन्नु भएन आफ्नो काम गरिराख्नु भएको थियो म आफ्नो काम गरिरहेको थिएँ त म धेरै नै आभार व्यक्त गर्दछु उहाँलाई पाएर कि यस्तो म हस्बेन्ड पाएँ कि उहाँले मलाई केही समस्या आउन दिनु भएन र साथमा जब हामी डायमन्डको प्लानिङ गरे त्यति बेला उहाँ धेरै नै सपोर्ट गर्नुभयो त्यति बेलासम्म आजसम्म भनौँ आजसम्म उहाँ साथमा काम गर्नुहुन्छ हामी दुइटै साथमा काम गर्छौँ धेरै नै राम्रो हो किनकि यस्तै गर्न पर्छ किनकि मान्छेहरूको सोच यही हुन्छ जब देख्दैन तब आँखाले जबसम्म देख्दैन कि के गरिरहेछ के हुन्छ त्यो जबसम्म देख्दैन त अनाथ कुरा गरिराख्छन् किनकि हाम्रो त मल्टिपलको बिजनेस हो आज 1 रुपियाँ छ भोलि 1 करोड हुन्छ पर्सि मतलब खर्ब रुपियाँ हुन सक्छ हामीसित र अरू काममा त के छ मलाई महिनाको 1 लाख आइरहेछ त वर्षमा पनि 1 लाख आउँछ 2 वर्ष पछि त्यति नै आउँछ मतलब त्यसको कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन कि त्यो बढ्छ भनेर तर हामीलाई थाहा छ कि यसबाट मल्टिपल हाम्रो हुन्छ त धेरै नै राम्रो हो सबैले गर्न सकिन्छ र हाम्रो जति पनि काम हुन्थ्यो त्यो राम्रोसित मिलाएर म निस्किन्थ्यो र जब हाम्रो बच्चा भयो जब छोराछोरी हुँदा पनि म यस्तै म्यानेज गरेरै म बाहिर निस्किन्छु धेरैजनाको के हुन्छ कि बहाना हुन्छ बहानाबाजी हुन्छ कि मेरो बच्चा छ मैले खाना बनाउन छ यस्तो छ उस्तो छ भनेर निस्किँदैन तर म धेरै जसो जुम मिटिङमा धेरै भिडियो मतलब अन गरेर नबसे नि म अडियोमा सुन्छु र म आफ्नो काम सकाउँछु किनकि बाहिर हिँड्नको लागि किनकि मेरो छोरी छ त्यो छोरीलाई स्कुल पनि पठाउन पर्छ मतलब चाँडै खाना पनि बनाउन पर्छ र उसलाई खुलाएर स्कुल पनि छोड्न पर्छ र बाबुलाई पनि राम्रोसित खाना खुवाएर फेरि घरमा आमालाई हेर्नको लागि लगाएर हामी बाहिर निस्किन्छौँ किनकि काम त गर्नै छ बिना काम गरेर हाम्रो सफलता हुनेवाला छैन त हामीले जसरी भए पनि हामी काम गर्ने हो कसरी भए पनि किनकि जहाँ समस्या हुन्छ त्यहाँ समाधान पनि
हुन्छ जहाँ समस्या हुँदैन तहाँ समाधान हुँदै हुन्न त हामी जति पनि समस्या छ त्यसको समाधान आफैसित हुन्छ त्यो समाधान गरेर हामी जसरी भए पनि निस्किने हो काम गर्ने हो अगाडि बढ्ने हो बल्ल हाम्रो सफलता पाइन्छ त्यति बेला आजसम्म निस्किँदाखेरि के सबैजनाको जब धेरै महिलाहरूले भन्छन् कि मेरो बच्चा छ यस्तो यस्तो छ त म आफ्नो कुरा गर्छु म आफ्नो बताउँछु कि मेरो पनि त छ मेरो पनि दुईजना छन् म पनि त कसरी हुन्छ टाइम मिलाएर आउँछु किनकि धेरै गाउँमा के हुन्छ कि बाख्राहरू पालेका हुन्छन् हाँसहरू कुखुराहरू पालेको हुन्छन् र भैँसीहरू हुन्छ त्यही भएर गर्न सक्दैन त म भन्छु यो पालेर हजुरलाई केही हुनेवाला छैन किनकि खाना त बनाउनुहुन्छ खुवाउनुहुन्छ यो सबै कुरा गर्नुहुन्छ कतिको पाउनुहुन्छ आफ्नो सपना पुरा हुन्छ जे चाहनुहुन्छ त्यो पाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो जति इच्छा हुन्छ जो यो लगाउँछु मतलब साडी राम्रो लगाउँछु गहना लगाउँछु हरेक कुराहरू सपना पुरा हुन्छ त हुँदैन त म भने कि म भन्छु यही कि किन यसमा अड्किराख्नु भएको छ हाम्रो डिएक्सन यति राम्रो चिज छ यति राम्रो प्लेटफर्म छ कि हामीलाई हरेक कुराहरू दिन्छ मान सम्मान इज्जत हरेक चिज दिन्छ किनकि जति पनि राम्रो खाना बनाएर तारिफ कहिले पनि हुँदैन तर म भन्छु कि यो सबै झमेलाबाट हामी निस्किने हो हामी पनि काम गर्न सकिन्छ आफ्ना जुन आत्मा छ त्यो आत्मा बलियो बनाउन बहुत जरुरी छ किनकि हाम्रो सपना मारेको हुन्छ कि केही गर्न सक्दिनँ महिलाहरू केही गर्न सक्दिनँ खालि यही हो घरकै कामकाज खाना बनाउने त्यही चुला चौका गर्ने त्यही मात्रै हो अरू केही काम गर्न सक्दैन त हाम्रो जुन सपना छ त्यो सपना पनि मारेको हुन्छौँ हामी त्यो सपनालाई जगाउने हो अन्त त्यही सपना यदि जाग्छ भने हामी महिला जे पनि गर्न सकिन्छ सबै कुरा गर्न सक्छन् किनकि हामी देख्छौँ महिलाहरूले कति अगाडि बढिसकेका छन् त हामी पनि किन गर्न सक्दैन सबैले गर्न सक्छन् त हामी ये कहना चाहते हैं कि जैसे कि बहुत बहुत लोग होते हैं जैसे कि लड़कियां लोग जब ज्वाइनिंग करती हैं तो वो पहले ज्वाइनिंग से पहले मतलब शादी से पहले वो बहुत अच्छे से काम कर लेती ऐसा ऐसा समस्या हो जाता है बहुत चीजों से बद्ध हो जाती है तो वो नहीं निकल पाती है और काम नहीं कर पाती है तो हम भी वैसे ही थे मतलब हमारे भी ज्वाइनिंग जब हुआ था हम भी पहले ही शादी से पहले ही हम काम किए थे और बाद में हमारा शादी हुआ तो हम भी निकले कभी भी हम घर में नहीं रहे हम अपने घर को कैसे भी मैनेज करके लेकिन हम निकलते रहे बहाने करने वालों को बहुत सारे बहाने हो जाते हैं लेकिन निकल कर काम करने वालों को कुछ भी नहीं रहता है वो कैसे भी निकल सकती है कैसे भी काम कर सकती है तो हम कभी भी रुके नहीं घर में और कैसे भी करके हम काम किए और जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं बच्चे हैं हमारे ऐसे ऐसे घर में काम होते हैं खाना बनाना है ऐसे ऐसे बोलकर नहीं काम करती है निकलती नहीं है महिलाएं बहुत सारे तो ये सब करके हमारा कुछ होने वाला नहीं है ये सब तो हर कोई कर लेगा इसी में क्यों हम रहें क्योंकि हम जब निकलेंगे नहीं बाहर ये सब अपना मैनेज करना बहुत जरूरी है मैनेज कर कैसे भी हमें निकलना है क्योंकि बच्चे सभी को होते हैं लेकिन सब कोई इसी में नहीं रहते हैं बहुत आगे निकल गए हैं अब निकल सकते हैं जब हमारे पास रिएक्शन का ऐसा सिस्टम है तो बहुत अच्छे से हम कर सकते हैं क्योंकि महिलाओं का ये बिजनेस है हम महिलाओं का ये बिजनेस इतना अच्छा रास्ता है क्योंकि इसमें टाइम नहीं होता है मतलब कोई टाइम नहीं देखता है कोई बॉस नहीं होता है कि इसी के अंडर में काम करना है अपना खुद का है तो हम इसी में हम काम करें और देखिए कैसे भी मैनेज करके और कोई तारीफ करने वाला भी नहीं होता है कितने भी घर में काम कर ले कोई तारीफ करने वाला भी नहीं होता है कोई मान सम्मान कुछ भी नहीं होता है और हमारे डीएक्स में मान सम्मान इज्जत हर एक चीज मिलता है तो हम इसमें क्यों रहे
है, क्योंकि हाँ हम भी तो करते हैं, हमारे भी तो बच्चे हैं, हम भी तो करते हैं सब कुछ काम कर कर, हम भी तो निकलते हैं, लेकिन हमें भी निकलना है और जबरदस्त काम करना है, बहुत बहुत आगे बढ़ना है, क्योंकि हमें जब तक सीए नहीं बनेंगे तब हम हमारा जो है सपना पूरा नहीं होगा, हमें वो सब बढ़ना बहुत जरूरी है। और जो न एउटा एउटा कहानी बनेर म यो आफ्नो प्रोग्रामलाई म समापन गर्छु समाप्त। जस्तै म यो कुरा चाहिँ हिन्दीमा भन्न चाहन्छु, जैसे कि हमारे एक अमेरिका का एक वैज्ञानिक था, एक तो वो वैज्ञानिक ने कहा कि जो भी भाग्यशाली और दुर्भाग्यशाली जो अपने आप को समझता है वो सब हमारे पास आ जाओ, 400 लोग तो जितने भी थे सब वो पत्रिका में छपवा दिए, चारों तरफ वो उसने सूचित कर दिए, तो सब लोग आ गए। जैसे कि उसमें बूढ़ा भी थे, जवान भी थे, बच्चे भी थे, विद्यार्थी भी थे, और बहुत सब वर्ग का जो था लोग थे, तो सब आ गए। तो वो वैज्ञानिक ने क्या कहा कि जो जितने भी भाग्यशाली हैं और इस अलग लाइन में उनको खड़ा कर दिए, और जो दुर्भाग्यशाली जो मानते हैं अपने आप को उनको अलग अलग में खड़ा कर दिया, अलग अलग उनको कर दिए, तो और जो दुर्भाग्यशाली है और भाग्यशाली है उन दोनों को एक पत्रिका दिया। और उसमें क्या था कि एक ही पत्रिका था, जो दुर्भाग्यशाली को दिए उसी ही पत्रिका भाग्यशाली को भी दिए। तो उसमें बोले वो वैज्ञानिक ने कहा कि जो अपने इसमें जितने भी लोग हैं इन लोगों का गन कितने आदमी हैं इसमें ये गन कर हमें बताना। तो जो दुर्भाग्यशाली था वो लगभग वो 5 मिनट लगा दिए गन कर कि 40 लोग हैं, और जो सौभाग्य अपने आप को मानते थे वो 5 सेकेंड में बता दिए। तो काम वही था, लेकिन का जो अपने आप को भाग्यशाली समझता था वो बहुत आसान तरीके से वो बता दिए, और जो दुर्भाग्य अपने आप को पहले ही मान ले लिया था कि हमारे से कुछ भी नहीं होगा और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए उतना 5 मिनट लग गया। तो क्या था कि वो जो सौभाग्य क्यों इतना समय लगा और क्यों इतना समय उनको नहीं लगा, 5-6 सेकेंड क्यों लगा, क्योंकि जो दुर्भाग्यशाली मानते थे वो जितने भी चित्र था जितने भी लोग थे उन लोगों को गिन रहे थे कि इतने हैं, 1-2-3 ऐसे करके गिन रहे थे, और जो जो सौभाग्य अपने आप को मानते थे वो क्या किया कि कुछ तो लिखा होगा, मतलब पाना पलटाया और दूसरे पाने में ही लिखा था कि इसमें 40 लोग हैं, वो 5 सेकेंड में ही बता दिए। तो मैं इतना ही बोलते हुए मैं अपने बड़ी को यही विराम देती हूँ। थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग डीएक्सएन, बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम।